कैंट पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने रोडवेज व रेलवे स्टेशन से यात्रियों के सामान चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान कमल सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी दिनावली थाना अकबराबाद जनपद अलीगढ़, राहुल कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी राजपुताना मालवीय नगर थाना दक्षिणी जनपद फिरोजाबाद, बुधसेन पुत्र रामचरण निवासी नगला सरताज थाना अकबराबाद जनपद अलीगढ़, श्याम बाबू पुत्र रामजी लाल निवासी राजपुताना मालवीय नगर थाना दक्षिणी जनपद फिरोजाबाद तथा सोहदान सिंह पुत्र रामप्रसाद निवासी मंडनपुर थाना अकबराबाद जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 500 ग्राम चरस व 14,200 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस लाइन सभागार में पूरी घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा व सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। ये अंतर्राज्यीय चोर हैं और ये खास तौर से ये जो रेलवे बस से सफ़र करते हैं, रेलवे से यात्री सफ़र करते हैं, तो उनके सामानों की चोरी करते हैं या तो उसमें चीरा लगा करके या उनको गुमराह करके। ये 4-5 के संख्या में चलते हैं, उनको आपस में घेर लेते हैं और बाकी उनके सामान में मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनके सामान चोरी कर लेते हैं। ये जो पकड़े गए हैं 3 अलीगढ़ से हैं, 2 फिरोजाबाद से हैं। ये चूड़ी वगैरह लेकर के और भी सामान लेकर के कि एकाएक इनके ऊपर कोई शक सुबह ना हो, तो इनके साथ इनके पास से 14,200 रुपये बरामदगी भी हुई है। और ये एक जो इसका मेन सरगना है कमल सिंह, उसके पास से उसके बैग से 500 ग्राम के चरस की भी बरामदगी हुई है। स्टेशन के बाहर मिले हैं, ट्रेन के? नहीं नहीं, ये बस स्टेशन के पास से बरामदगी इनकी हुई है। बहुत लंबा इनका गिरोह है, इसके पहले भी ये जेल जा चुके हैं कैंट से। तकरीबन 7 वर्ष पूर्व भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, उसको खंगाला जा रहा है। इनके गैंग में और भी लोग हैं जो कि पश्चिमी यूपी से बराबर आते हैं, लंबा टूर करते हैं यहाँ से लेकर बिहार तक, और जहाँ भी ये प्रमुख शहर हैं, जो भी महानगर हैं, जहाँ भी बस स्टेशन वगैरह पे जो पब्लिक जो परिवहन का इस्तेमाल कर रही है, उसमें चढ़ के सॉफ्ट टारगेट को चूज़ करना और चोरी करना। कुल 2 मुकदमे पंजीकृत हुए थे रेलवे रोडवेज चौकी थाना क्षेत्र कैंट के अंतर्गत। इन दोनों घटनाओं का सफल अनावरण हुआ है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि इनके गैंग में और कौन कौन लोग हैं और इनकी क्या फ्रीक्वेंसी इस क्षेत्र में है। इसके साथ ही साथ गौरतलब ये है कि ये फिरोजाबाद और अलीगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हम इस बात का भी लिंक निकाल रहे हैं कि शहर की अन्य घटनाएं जो अभी तक ये थाने के माध्यम से या क्राइम ब्रांच के स्तर पर अभी तक जो घटनाएं की नहीं खुल पाई, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य जनपद के लोग आ रहे हैं। जरखुरानी की तो बात अभी कोई मतलब स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं इस पर अभी जांच का विषय। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अभी जो जांच की प्रक्रिया में एक अरे सस्पेंडेड अरे बस सरकारी बस ड्राइवर का भी नाम प्रकाश में आया है, अन्य लोगों का भी नाम प्रकाश में आ रहा है। अभी वो जाँच और विवेचना के क्रम में उस पर और ज़्यादा पुष्टि की जाएगी।